हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निकरम और आज हम मीना का साथ बात अपना फैमिली को आज फर्स्ट टाइम मिला है तो बहुत खुशी लग रहा है। तो हम लोग अभी अपना बस्ती बोटिंग करने जा रहे हैं और गाड़ी हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में रख के और सुबह से हम लोग जा रहे हैं और हम अपना फैमिली के साथ है। मम्मी मोम और ये बहन है हम सब, जो कि हमसे बड़ी दिख रही है। मेरा और ये मेरा सुनने वाला बहन है जो ये पीछे में अकेला बैठा बेचारा लाइन में हम लोग बैठे हैं और आगे में पिताजी और मेरा बड़ा भाभी करके और ये ड्राइवर भैया हम अभी निकाल रहे हैं और पापा का गया वाला और पिताजी अभी मैगी लेने गया क्योंकि बस में मैगी जो है 20 रुपीज़ से एक 10 रुपये का 20 रुपीज़ करके बोलते हैं बोले तो इसमें हम लोग जो मैगी खा कर ले जाएगा। और हमारा जो मेरा बस्ती तो आप लोग ने कभी देखा नहीं होगा इसलिए मेरा बस्ती को भी आप लोगों को दिखाती हूँ तो मेरा वीडियो पे आप लोग बने रहना लास्ट तक। हम लोग निकल गया है तो हम लोग खा रहे हैं कृष्ण मोटर और कृष्ण मोटर नहीं है किरण मोटर है। हम क्या मोटर खा रहे हैं? किरण मोटर। ये किरण में किरण मोटर खा रहे हैं। हम किरण मोटर हम लोग खरीदा था कृष्ण मोटर लेकिन मिल गया किरण मोटर। दरवाजा अपने आप खुल गया था। सुसु लग रहा है करेगा वो उधर होटल लेके बस्ती जो कि बहुत दूर से नज़र आ रहा है। ये दिल्ली है और इसको क्रॉस करके ये सामने वाला जो है मेरा बस्ती है तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाला है। बहुत लेट हो गया पहुँचते इतना भयानक वाला रास्ता से हम लोग आने के लिए इतना समय लगा है बेचारा ये ड्राइव कर करके। चलो जाएगा तो फाइनली हम लोग अपना बस्ती पहुंच गया है और बस्ती में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं होते जैसे कि आप देख सकते हैं हम इतना अंधेरा में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बस्ती में बिल्कुल भी लाइट नहीं है और अभी बस्ती का जगह भी आप लोगों को नहीं देखा पाएगा तो इसलिए कल दिखाना पड़ेगा। तो ये है हमारा बस्ती का घर और यहाँ से घुस गए फैमिली लोग पहुँच गया है बेचारा मेरा भाभी मम्मी और वो आयु है पापा का मामी पापा का मामी और रोज को क्यों नहीं दिखाया करो टेंशन हो के बैठा बेचारा बस्ती में फर्स्ट टाइम मिला। ये बड़ा भाभी का सेकंड टाइम है पहले साल भी वो आया था लेकिन मेरा छोटा भाभी का फर्स्ट टाइम है बेचारा भाभी है। अब फर्स्ट टाइम मम्मी को बस्ती आके कैसा लगा? मजा आया है? रास्ता कैसा था? बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया था ना? वापस भागना पड़ेगा। मजा इधर से रोड मेन रोड से इधर घर नामने के लिए कैसा था रास्ता? मजा स्लिप होके गिर के आए इतना मौजों में और ये भाई और इसका नानी मरने आधा मुड़ा हो गया। नानी मजा था? नहीं मजा था नहीं करो नहीं इतना मौलम है बोला आधा मुड़ा हो गया उल्टी कर करके बेचारा गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग बस्ती आके सुबह हो गया है। एक्चुअली हम लोग रात को हम रात का वीडियो दिखाएगा सोचा था बट वहाँ में इतना अंधेरा कि बस्ती में तो लाइट होता नहीं है इसी के लिए मतलब एक दूसरे को बात कर रहे तब भी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रहे हैं और शकल दिखाई नहीं देते एक दूसरे को और इतना तकलीफ़ से हम लोग बच्चा भी ऐसा रो रहा था कि कभी अंधेरा में बैठा नहीं है और सुबह सुबह मुर्गी डाक देना शुरू एक दूसरे का पप पप सोने सका ही नहीं सुबह सुबह हम लोग को मुर्गी लोग ने जगा दिया। और ये हमारा बस्ती है तो हम अपना बस्ती को थोड़ा दिखाते हैं। तो ये हम लोग का बस्ती का घर ऐसा होता है हम लोग का बस्ती और ये पानी पाइप जहाँ में सब कुछ धुलाते नहाते बर्तन धोते दिस इज मिनरल वाटर
मिनरल वाटर है, मिनरल मिलने वाला मिनरल वाटर बनाया जाता है। और रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से ऊपर सीढ़ी नहीं है। जब बारिश आते तो ऊपर से स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है ना, फिर उठने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऊपर जाके हम लोग का मेन रोड पर है, वहाँ से फिर एक दो घर है, ज़्यादा घर नहीं है। हम लोग का घर बहुत नीचे में हो गया, तो ऊपर उठने में बहुत दिक्कत हो जाता है। और यहाँ का सबसे बेस्ट वाला चीज़ दिखाएगा वो है बाथरूम। हम लोग को बाथरूम के लिए घर से 10 मीटर, 100 मीटर चलना पड़ता है थोड़ा दूर में। और बाथरूम कैसे होते हैं दिखाती हूँ। तो ये है घर, यहाँ से जाके बाथरूम है। बाथरूम जो है घर से थोड़ा दूर में ही होता है, और इतना खास नहीं। एटलीस्ट यहाँ में ऐसा वाला बाथरूम है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ का, दूसरा लोग जो है उसका पास बाथरूम नहीं होते, तो उन लोग क्या करते कि जंगल में जाके जो भी करना है यूरिन करने कर लेते हैं। तो यहाँ का बाथरूम ये है, जो कि पूरा आर पार दिखाई देते हैं, अंदर में बैठ के आपको फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ में हम बैठ रहा होगा तो बाहर से पूरा नज़र आ जाते हैं, वहाँ बैठ के नीचे करते। और नीचे में बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि वहाँ में कुछ होल क्या नहीं है, जो भी पेशाब लैट्रिन करते वही नीचे में वो बैठ जाते हैं, तो वो देखने में भी बहुत गंदा लगता है। तो बाहर से भी ये घर, और मेरा बहन खाना पकाते हुए, और ये आग में सब कुछ पकाता है, ब्रेकफास्ट खाना सब्जी चाय। तो तुमको लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे आग में खाना पकाते हुए कैसा लग रहा है? अभी पकाइए जिंदगी में, उसको करना है। इसको क्यों करना? वो खाना पका रही थी तो हम रात को यहाँ में पूरा लाइन सोए। यहाँ का गांव बुरी है, यहाँ का गांव बुरी है, यहाँ का गंबलर हम लोग घूमने जाएगा। हम लोग का घर का देखो सामने में पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। वाटरफॉल भी है बहुत सारा, यहाँ में दो दो वाटरफॉल। और हम लोग जा रहे ऊपर, दूसरा घर, लेकिन बहुत फ्रेश है ये। हम चलते हुए अभी मेन रोड उतरेगा सीधा। बहन कैसा लग रहा है? हमको करियर बना दिया, सबका सामान ये पकड़ के बेचारा, वो भी इतना पहाड़ी, ऐसे में चलना पड़ता है। और सोचो यहाँ से घर कितना नीचे में है, बारिश होने से ये इधर सिर्फ कितना घर तक स्लीपिंग कर सकते हैं। फाइनली मेन रोड ये है, मेन रोड आया, थक गया। याना राम। हम लोग अभी थोड़ा ऐसे चाचा लोग का घर जाएगा, जो कि चलने में बहुत मुश्किल हो रहा है फिर भी। और मेरा पूरा नाक का ये जो छिल गया, ड्राई हो गया यहाँ आके, क्योंकि यहाँ का वेदर जो थोड़ा ठंडा है और इतना फ्रेश, ये बहुत फ्रेश है। और हवा सोचो, ये सामने वाला पहाड़ से हवा जो आते हैवन है हेवन। बट वही है कि चलने में उतने में हम लोग ऐसा प्लान जगह में थोड़ा इतना भी प्लान नहीं होने से भी, एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा प्लान जगह में रहने आदत है। तो यहाँ में ऐसे अप में उतने और डाउन नामने थोड़ा तकलीफ हो रहा है हम लोग को, बट बहुत अच्छा लग रहा है। इतना फ्रेश, इतना सब चीज़, मतलब कोई धूल नहीं कोई। हम ये हमारा बस्ती बहुत दूर दूर में, और बस्ती का घर ऐसा है, दो तीन घर है, और वो ऊपर में चाचा का एक घर है, और ये है मेन रोड। तो हम लोग, हमारा बस्ती सिर्फ पहाड़ों का बीच में, दो तीन घर है हमारा बस्ती, और ये चाचा का घर जहाँ में हम लोग जाएगा। ये हमारा शॉपिंग करने जगह है। ओ हाँ, कहाँ मार्केट लाइन दुकान है क्या? मार्केट लाइन ये है हम लोग का, और एक मार्केट है उसमें हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने।
यहाँ ज़्यादा नहीं, 10 रुपया का 20 रुपया करते हैं और 20 रुपीज़ का 50 रुपीज़ करके बेचते हैं, और मॉन्स्टर का 200 है, सोचो मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर का 200 करके बेचते हैं, और एक पेप्सी बोतल हम लोग जो 100 करके लेते हैं उसको यहाँ मिलता है 150 में, इतना महंगाई वाह। तो उससे अच्छा तो हम लोग बिना पी के ही रहते इतना महंगा से पीने से अच्छा तो पानी पी के, क्योंकि पानी यहाँ का पानी तो इतना फ्रेश है। अम्मा आग लगा दे इस दुनिया को ये मेरा बहन है छोटा, मैं पोयम पढ़ता था, अम्मा आग लगा दे इस दुनिया को अम्मा आज लगा दे झोला वाला को। ये हम लोग का मार्केट, हम लोग शॉपिंग करने आये क्या? हम लोग का सबसे पुराना वाला दीदी है ये, मोरम लग रहा है ये मोदी का घर ना, फर्नीचर तो लाए हाँ हम तो लाए, और यहाँ का देखो घर इतना डरावना है, यहाँ से नीचे देखने से इतना इतना डरावना है, इतना ऊंचा हाई से बना के रखे हम, बच्चा गिरने से खत्म है तो ऐसे बैठने के लिए रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग। ये हम लोग का चाचा सबसे पुराना वाला चाचा है, ये मेरा है इतना जी दबंग नंग दबई ना ये मैं इतना योग मतलब मारो मैं बाबा को बाबा पटना लाला मैं स्टॉक किया आ ओ नहीं कहना इलेक्शन लोग को चाहे कोई कोई लोग को बात करा चाहो वो ये पटना रे मालो दिया हम लोग का दीदी पटना रे मां बाबा अरे दोनों मां बाबा ये मैं अन्य बोल रहा हूं सोचा जुड़ो आई मेरा मत अग्रह तो अभी चाचा का घर में लंच करने और डिनर करने आया है, तो सब अपना अपना पार्टी हमें दिखाई नहीं। मेरा माँ बहुत ज्यादा पंक और अब एक पेप्सी बोतल और माउंटेन ड्यू पंक बहुत सारा मुर्गी और यही सिर्फ अकेला खा रहा है ये मेरा चाचा, हम पेप्सी पी रहे हैं ये पेप्सी पी रहे हैं आजकल पेप्सी का दुनिया हो गया मेरा अपुन सब कुछ छोड़ दिया, वाह दारू कोर्स छोड़ दिया ना, दारू पेप्सी कोर्स शुरू एक्टिंग देख उसका। और ये एक चूल्हा यहाँ में भी आ रहा है और यहाँ भी पका रहे और इधर भी इधर सब लोग बैठ रहे हैं ये इसका चूल्हा है जो सबसे बड़ी हम लोग का चाची है से यहाँ से वहाँ बहुत अंधेरा हो गया, ये दान कूटने जगह लाइट नहीं होने का कारण से मेरा फ़ोन को चार्ज करना था तो वो भी नहीं हो पाया और बैटरी ख़त्म होने वाला है, शायद आगे का ब्लॉगिंग आप लोगों को देखने भी नहीं मिल सकते क्योंकि हमको नहीं लगता कि ये बस्ती में लाइट आएगा और मेरा फ़ोन चार्ज होगा, तो अगर होते तो तब तक के लिए पता बाय बाय, अगर कुछ हाल करके मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता तो आगे का ब्लॉगिंग आप लोगों को देखने मिलेगा, और तब तक के लिए ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, टेक केयर बाय बाय।